फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कोई भी पौधा है वो महंगे गमले का मोहताज कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो हमसे महंगा गमला नहीं मांगता है, बल्कि वो हमसे कुछ और चीज़ें ही मांगता है। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम अपने पौधे को दे सकते हैं, ये आज के वीडियो में देखेंगे। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई पौधा नर्सरी से या किसी के घर से ख़रीद के लाते हैं तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि इस लाए हुए पौधे को हम अच्छे गमले में लगाएं, साथ में पौधे की वैरायटी के हिसाब से उसको गमले की साइज भी अवेलेबल कराएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस पौधे के लिए हमें किस तरीके की सॉइल मिक्सचर तैयार करनी है, और हमारे पास जो मिट्टी तैयार उस समय होती है उसी मिट्टी में हम पौधे को लगा देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये पौधा हमारा इस मिट्टी में बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, सामने आप लोग जो ये मेरा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, इसे मैंने लगभग 2 साल पहले इस 10 किलो वाले आटे के थैले में लगाया था, और तब से ये पौधा इसी में लगा हुआ है। इसकी मैंने लास्ट ईयर कोई भी रिपोर्टिंग भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी इस पर देखिए कितनी कलियां आई हुई हैं, और इसमें रोज़ ही 4 से 5 फूल भी बराबर आ रहे हैं, जबकि इस पौधे के पास में कितनी कम जगह है, साथ में कितने पतले आटे के थैले में लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने इस पौधे को गमला तो नहीं दे पाई थी, लेकिन मैंने इस पौधे की बिल्कुल उसी तरीके से देखभाल करी थी जिस तरीके से गमले में लगे हुए पौधों की देखभाल करी जाती है। तो जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो इसमें मैंने 50% मिट्टी ली थी और 40% मैंने इसमें गोबर की खाद को लिया था। बाकी जो मेरे पास 10% बचा था उसमें मैंने इसमें नीम खली, बोन मिल और जाइम फर्टिलाइज़र को मिलाया था, और मिलाने के बाद में जो मेरा सॉइल मिक्सचर तैयार हुआ था उसी सॉइल मिक्सचर में मैंने अपने इस गुड़हल के पौधे को लगाया था। तो फ्रेंड्स, यही वजह है कि ये इतने छोटे से आटे के थैले में लगा होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे बड़े गमलों में लगे पौधों से ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि शुरू से ही मैंने जब इस पौधे को लगाया था तभी से मैं इसको सारे वो पोषक तत्व बराबर देती रहती थी, जिससे कि इस पौधे को किसी भी तरीके की ये कमी ना महसूस होए कि हम गमले में नहीं लगे हुए हैं। मैं इसको बार बार कोई ऐसी फर्टिलाइज़र भी अब नहीं देती हूँ, बल्कि हर 15 दिन के अंतर पर इसको एक बार सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का घोल बना कर देती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें मैं सब्जियों के छिलकों को सुखा के डालती रहती हूँ, जिसकी वजह से इस पौधे को सारे वो पोषक तत्व मिलते रहते हैं जो कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ये पौधा काफ़ी पतले थैले में लगा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स अगर गर्मी में इसको सारे समय बाहर की तरफ रखेंगे तो इसकी रूट्स और इसकी मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाएगा। तो हमारा पौधा ख़राब ना हो तो उसकी वजह से 1 घंटे की मैं इसको सुबह की धूप दिखाने के बाद में स्टैंड पर कहीं छांव वाली जगह पर रख देती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी पौधा हमसे ये नहीं कहता है कि हमें अच्छे गमले में लगाओ, बल्कि वो हमसे यही उम्मीद करता है कि अगर हमें अपने घर में लेकर आए हो तो मौसम के हिसाब से हमारी देखभाल करो, हमें उस तरीके की सॉइल मिक्सचर दो जैसी कि हम चाहते हैं, साथ में हमें समय समय पर जो खाना पसंद है वो हमें खाना देते रहो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कोई पौधा लाते हैं और लाने के बाद में आपके पास घर में गमला नहीं होता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि कोई भी आपके पास थैला हो अच्छा, उसमें आप लगा दें और उसको वो सॉइल मिक्सचर दें जो कि उस पौधे को ज़रूरत हो, साथ में उसको समय समय पर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते रहें, तो आपका पौधा उस थैले में भी लगकर गमले से लगे पौधे से अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा जिन लोगों ने अभी अभी नई नई गार्डनिंग करना स्टार्ट किया है, तो उन्हें महंगे गमलों के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से जो ऑनलाइन सामान आता है उसमें भी काफ़ी मजबूत पॉलीथीन के थैले होते हैं या फिर चावल आटे के थैले, इनमें आप पौधे लगा सकते हैं और इससे अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका गार्डनिंग में एक्सपीरियंस होता जाए तब आप गमलों को ख़रीदते जाएँ।